Welcome to all students. So today we are going to be study about the fractions. इसके पहले की क्लास में मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं फ्रैक्शंस के बारे में, लेकिन आज की ये पूरी क्लास स्पेशली सिर्फ फ्रैक्शंस के लिए ही पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, सिंपल फ्रैक्शंस, मिक्स फ्रैक्शन, उनके कन्वर्जन, ये सब चीज़ें सीखेंगे. सो स्पेशली ये जो आज की क्लास है ये स्टैंडर्ड 7th के लिए है, लेकिन अदर स्टूडेंट भी सीख सकते हैं और देख सकते हैं. रीज़न क्या है कि फ्रैक्शन का जो कन्वर्जन होता है वो सभी को आना चाहिए. सो लेट अस सी अबाउट द फ्रैक्शन. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग जब भी लेक्चर सुन रहे हो तो उसके लिए हेडफोन का यूजेस किया करो, बिकॉज मे बी हो सकता है कि आपको वॉइस प्रॉपरली नहीं आती हो. सो प्लीज़ हेडफोन का यूज़ किया करो. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन एज ऑल ऑफ यू नो. हियर आर टू टाइप्स, सिंपल फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. इसके अलावा भी डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं, ये सब होते हैं, लेकिन हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. हम सिर्फ अपने इसी टॉपिक को पूरा इलैबोरेट करके आज देखने वाले हैं, सिंपल फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो सिंपल फ्रैक्शन कैसे होता है? एनी फ्रैक्शन जो अपना एन अपॉन डी के फॉर्म में होगा. एन को हम लोग याद रखेंगे नॉर्थ में, जो हमेशा ऊपर होता है, और डी हम लोग याद रखेंगे डाउन में, जो हमेशा नीचे होता है. सो एन फॉर होता है न्यूमरेटर और d फॉर होता है डिनोमिनेटर. सो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर वो प्रेजेंट है सो अपना क्या है, वो सिंपल फ्रैक्शन है. और मिक्स्ड फ्रैक्शन इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, रिमाइंडर एंड डिवाइजर के फॉर्म में. QRD, क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिवाइजर, इस फॉर्म में अगर वो प्रेजेंट होगा तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और इस फॉर्म में अगर वो प्रेजेंट होगा तो ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन है. ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है. बस आपको न्यूमरेटर याद होना चाहिए ऊपर के साइड में होता है और डिनोमिनेटर नीचे के साइड में होता है. इसलिए मैंने याद करने के लिए आपको कैसे बताया कि न्यूमरेटर को एन ले लेना है डेट इज नॉर्थ, और डिनोमिनेटर को डी ले लेना है डेट इज डाउन. तो डाउन नीचे रहेगा तो डिनोमिनेटर नीचे रहता है. फिर इधर भी वैसी है, क्वेश्चन, रिमाइंडर और डिवाइजर. ओके, सो लेट अस सी सम कन्वर्जन्स. मैं सिंपल सिंपल फ्रैक्शंस लेके उसके कन्वर्जन्स आपको बताऊंगा. जैसे कि मैंने ले लिया है फॉर एग्जांपल 10/4. 10/4, तो इसमें न्यूमरेटर 10 है, डिनोमिनेटर क्या है 4 है. सो हाउ यू कन्वर्ट इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन? सो पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 4 बाहर के साइड, 10 अंदर के साइड. हमेशा न्यूमरेटर अंदर होता है और डिनोमिनेटर बाहर होता है. आप 4 2 8, सो यहां अब देखो ये मेरा Q है डेट इज क्वेश्चन, ये मेरा R है डेट इज रिमाइंडर, और ये मेरा डिवाइजर है. सो कितना आ जाएगा डेट इज 2 upon 4 चाहिए तो इसको हम इधर कैंसिल भी कर सकते हैं. सो यू विल गेट इट 2.5, ऐसा भी आएगा. ये भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है. ठीक है, और एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, 7/3. सिंपली 3 बाहर 7 अंदर, 3 2 6 माइनस ये बचा 1. सी दिस इज माय क्वेश्चन, दिस इज आर रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइजर. सो व्हाट यू गेट हियर, इट्स 2 1/3, दैट विल बी इक्वल टू योर 7/3. मतलब 7/3 का वैल्यू 2 1/3 के इक्वल है. ओके, सो हाउ यू कन्वर्ट
मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड से सिंपल में जाते हैं। सपोज करो कि आपको दिया है 3 n 4 / 5 ऐसा दिया है। अब इसको हमको क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, ये नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई और ये नंबर को यहाँ ऐड करेंगे। ये नंबर 5 3 में मल्टीप्लाई होगा और जो भी उसका प्रोडक्ट आएगा इसमें ऐड होगा। सब लोग उसी फॉर्म में पहले लिख देते हैं 3 × 5 + 4 और ये टोटल अपॉन क्या होगा, 5 होगा। डिनोमिनेटर एज इट इज बना रहता है। सो 3 × 5 = 15 + 4 कितना हो गया, इट विल बी 19/5। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ज्यादा उतना टफ नहीं है। एक और देख लेते हैं। सो सपोज करो दिया है 4 and 7/3। तो सिंपली क्या हो जाएगा, 4 × 3 + 7/3। सो कितना हो गया, 4 × 3 = 12, 12 + 7 is 19/3। ओके, सो आई होप यू पीपल आर अंडरस्टूड इट। सो हाउ विल यू कन्वर्ट सिंपल फ्रैक्शन इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन और हाउ विल यू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन टू द सिंपल फ्रैक्शन। सो गो थ्रू द नेक्स्ट। नाउ लेट अस ट्राई टू एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन एंड सबट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस। सो देखो, एडिशन और सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इसका डिनोमिनेटर। मेन सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है उसके डिनोमिनेटर का। सो पहले एक हम देखते हैं सेम डिनोमिनेटर वाला और एक हम देखेंगे डिफरेंट डिनोमिनेटर वाला। सो 7/3 + 2/3। सो इन दिस केस यू कैन सी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। 7/3 का भी डिनोमिनेटर 3 है और 2/3 का भी डिनोमिनेटर 3 है। सो यू कैन राइट इट 7 + 2/3। सो ये हो जाएगा 9/3। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 3, सो यू गेट 3। ओके, नो नीड टू राइट 3/1। सेम अगर वही माइनस में करते हैं 5/2। ये फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, सेकंड 5/2 − 3/2। सो सेम डिनोमिनेटर सेम है, सो ये जाएगा 5 − 3/2। सो दिस विल बी 2/2। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा, दैट इज योर 1। ओके, एक थोड़ा सा डिफरेंट देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 and some number 3, 2 and 1/3 + 4 and 1/3, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। सो देखो, यहां भी 1/3 है, यहां भी 1/3 है, तो कोई दुख की बात नहीं, डायरेक्टली इसको ऐड करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, देखो 2 + 4 कितना हो गया, 6। तो 6 and 1/3 डायरेक्ट आंसर हो सकता है। सो इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, सो दिस विल बी 6 and 1/3, ये डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक, अब अगर समझो कि ये कुछ ऐसा रहता है, मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूं। चेंज इन द सेंस 2 and 2/3 + 4 and 1/3, ऐसा हो गया। अब हम पहले क्या करेंगे, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद ऐड करेंगे। So, ये क्या हो जाएगा मेरा, 2 × 3 + 2/3 + 4 × 3 + 1/3। तुम लोग को अगर डायरेक्ट जम रहा है तो डायरेक्ट कर सकते हो, 4 × 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8/3 डायरेक्ट लिख सकते हो। ये हो गया 8/3 + 4 × 3 = 12 + 1 = 13/3। आप इसको प्लस करें कितना हो जाएगा, 8 + 13 = 21, it's 21/3। अब इसको कैंसिल करें तो आंसर कितना आएगा, 7। अगर कैंसिल नहीं भी होता है सो उसको वापस क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका आंसर लिख देंगे। सो दैट इज द एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर। उनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अब मैं बहुत ही जल्दी एक ऐसा सम सुनूंगा
जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट है। सो लेट अस सी, 6/5 + 7/3 ऐसा सम्स है। सो यू कैन सी दैट दोनों का इसका डिनोमिनेटर 5 है और इसका डिनोमिनेटर 3 है। सो इन दिस केस देयर आर टू मेथड। एक मेथड अपना ऐसा है कि हम जो भी डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। और एक मेथड ऐसा है कि सिंपली क्या करो, एलसीएम एलसीएम के झंझट में ना पड़ के सिंपली क्या करो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई देखते हैं। तो ये 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर हमको सेम करना है। तो 6 × 3 5 × 3 + 7 × 5 + 3 × 5। सो नाउ यू कैन से दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया है। सो ये हो जाएगा 18/15 + 35/15। अब ये अपना पहले के जैसे ही हो गया। सो 18 + 35/15, सो 18 + 35 = 53/15। अब अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर दो, नहीं तो एज इट इज योर आंसर है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर थोड़ा सा और मजा आना चाहिए, तो इसको क्या करो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो भी आंसर अपना सेम आएगा। सो एक माइनस वाला देख लेते हैं। ओके, सी मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, मैं क्वेश्चन अपने मन से कैसे भी क्वेश्चन ले रहा हूं। सो मे बी हो सकता है कि इसका आंसर कुछ डिफरेंट आए, और मैं इसको चेंज कर दूं थोड़ा सा, इधर मैं ले लेता हूं 5। ओके, सो पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 4 × 3 = 12 + 1, ये हो गया 13/3 माइनस 2 × 5 = 10, 10 + 2 कितना हो गया 12/5। देखो मैं डायरेक्ट लिया, मैं पहले बोल रहा हूं मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, इधर इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड, ये इसको मल्टीप्लाई करके ऐड। अब सेम जैसे यहां किया था क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 13 × 5 = 3 × 5 माइनस 12 × 3 = 5 × 3। सो दिस विल बी 13/5 = 65/15 माइनस 12 × 3 = 36/15। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, माइनस कर दो 35 − 36 65 − 36/15। सो व्हाट इज योर आंसर, इट विल बी देखो 15 में से 6 गया बचा 9, और ये हो जाएगा 5 में से 3 गया बचा 2, सो 29/15। So that is your answer. So you can see that कि हमारे answers कितने properly और easily वे से आ रहे हैं। So इसको मैं थोड़ा सा number ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। So it will be 29/15. So have a look, एक बार अच्छे से आपको ध्यान से देख लीजिए। So I hope you people are able to understand it properly, कैसे इसको करना है। ये हम common denominator term use कर रहे हैं, जिसमें क्या करेंगे, simply क्या करना है, denominator, इसके denominator का ये दोनों में multiply और इसके denominator का ये दोनों multiply। वो जब multiply करेंगे तो दोनों का denominator same हो जाएगा। अब दोनों का denominator same हो रहा गया है तो आप चाहे add करो चाहे subtract करो, आपका ही काम है भाई। Addition है तो addition कर दो, subtraction है तो सब्ट्रैक्शन कर दो। ओके, सो आई विल लुक नेक्स्ट, लेट अस सी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। समझो 7/3
3 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 2। देखो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कुछ नहीं होता है, अगर मल्टीप्लाई तो आप सीधे सीधे सामने मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। हाँ एक चेक करना है कि क्रॉस में या ऊपर नीचे कट हो रहा है कि नहीं, तो देखो ये ऊपर नीचे कट हो रहा है, इसको मैं काट डालता हूँ। 4 1 4 4 सॉरी 2 1 2 2 2 4 ये 2 के टेबल में, तो ये मेरे को क्या मिल गया 7/3 × 2/1 लिख देते हैं। अब सामने सामने का मल्टीप्लाई 7 2 14 3 1 3 दैट इज योर आंसर। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं भाई। एक और देख लेते हैं 2/3 × 5/4। चलो अब देखो इसमें क्रॉस में कट रहा है, सो 2 1 2 2 2 4 या तो ऊपर नीचे कट होता है या तो क्रॉस में, सामने सामने नहीं होता है। सो दिस विल बी 1/3 × 5/2। वापस वही काम करो, 5 1 5 और 3 2 6। ओके इसी को अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ट्राई करें तो ये रहा, मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लेते हैं 4:1/2 × 3:6/7। सो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 4 2 8 + 1 इट्स 9/2 × देखो 4 2 8 + 1 9 सेम इधर 3 7 21 21 + 6 21 + 6 कितना होगा 27/7। अब वही पहले वाला काम देखो, सामने सामने कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा तो सिंपली क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। So 27 9 6 2 43 और ये हो गया 14। अब सिंपली कैंसिल तो पहले नहीं हो रहा तो ये अभी भी कैंसिल नहीं होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दी मल्टीप्लीकेशन। नाउ लेट अस सी द डिवीजन। Now division 4/3 / 5/8 ले लेते हैं। चलो देखो मल्टीप्लीकेशन हो या चाहे डिवीजन हो दोनों की बात सेम है, सिर्फ एक स्टेप अलग करना है। ये जो हमारा डिवीजन दिख रहा है ना इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, तो ये 4/3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा उल्टा, तो जाएगा 8/5। बस अब पहले के जैसा काम हो गया, मल्टीप्लाई कर दो सामने सामने 4 8 32 5 3 15 दिस इज योर आंसर। ओके सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दी फ्रैक्शंस। अब मैं आपको एक बहुत ही खास ट्रिक बताने जा रहा हूं। सपोज करो कि ये मेरा एक फ्रैक्शन है 10 6/1/3 ऐसा कुछ तो है। ओके ऐसा कुछ तो है और इन दोनों को मुझको क्या करना है, माइनस करना है, इन दोनों को मेरे को माइनस करना है। ये ज्यादा करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट के लिए है, सो इनको माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, ये तो सिंपल नंबर है और ये फ्रैक्शन है, तो इसके लिए दो ट्रिक है। एक ट्रिक तो पहला ऐसा है कि इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये 10/1 ले लो। और दूसरा क्या है ट्रिक है, ये जो 10 दिख रहा है ना मेरे को 10 इसको लिख दो 9, 10 दिख रहा है इसको लिख दो 9, मतलब एक कम कर दो और यहां जो डिनोमिनेटर है उसी का अपॉन ले लो, दैट इज 3/3। मतलब समझ रहे हो ना, अगर इधर 3 है तो मैंने लिया 3/3, अगर यहां 7 रहता तो मैंने लेता 7/7, यहां अगर 4 रहता तो मैं लेता 4/4। जो भी डिनोमिनेटर रहेगा यहां वही डाल दो माइनस, बाकी तो सेम अब पहले वाला जैसा हो गया। ओके सो ये 9 में से 6 गया बचा 3, देन 3 में से 1 गया बचा 2/3, यही मेरा आंसर है। ओके एक और देखते हैं,
समझो 100 माइनस 2 7 अपॉन 8, 100 माइनस 2 है ना 7 अपॉन 8, तो क्या करोगे, एक कम करोगे जाएगा 99 और ये हो जाएगा 8 अपॉन 8, बस माइनस खत्म बात। 99 में से 2 गया बचा 97, 8 में से 7 गया बचा 1 और ये डिनोमिनेटर का आया था, दिस इज माय आंसर। तो ये ट्रिक आप चाहे एडिशन के लिए अप्लाई करो चाहे डिवीजन के लिए अप्लाई करो, लेकिन कंडीशन वही है कि ये जो फर्स्ट रहेगा ये प्रॉपरली एक नेचुरल नंबर रहेगा तो होगा ये ट्रिक, बाकी फ्रैक्शंस के लिए ये सब के लिए आपको पहले वाली ही ट्रिक लगानी पड़ेगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट ऐड डिवाइड मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। सो इससे रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक में जितने भी सम्स हैं आप लोग टेक्स्ट बुक के पूरे सम्स को ट्राई कीजिए, और आपको अगर कोई भी डाउट होगा सो प्लीज यू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। सो होप आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, अगर आप लोग ने मेरा चैनल अभी तक का सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके थैंक यू वेरी मच।